फिर बहन दोस्तों देखिए दोस्तों, मैं चाय बना रहा हूँ, तो मैं चाय बना रहा हूँ इसका अंग्रेजी में क्या होगा? आई एम मेकिंग टी, है ना। अंग्रेजी के बहुत सारे वाक्य सेंटेंस सीखेंगे, तो चाय बनाते बनाते अपन कुछ सीख जाएँ बहुत अच्छी बात है। चाय बनाते बनाते अपन सीख जाएँ तो बहुत बड़ी बात है ना। दिस इज़ अ कप, ये कप है अपन बोलते हैं ना, ये कप है, है ना। दिस इज़ अ बॉक्स, ये एक संदूक है। संदूक बहुत बड़ा होता है, एक डिब्बा है, छोटा डिब्बा है। तो दिस इज अ बॉक्स, स्मॉल बॉक्स, है ना, स्मॉल बॉक्स। दिस इज अ नाइफ, ये एक चाकू है, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें जो देखने वाली है। दिस इज अ स्पून, ये एक चम्मच है। ये क्या, चम्मच, चम्मच सबन चाय को ऐसे। दिस इज अ स्पून, ये एक चम्मच है ना। आई यू मेकिंग चाय टी, मैं एक चाय बना रहा हूँ। अगर वह चाय बना रही तो इसको अंग्रेजी में क्या होगा बताओ? तो शी इज मेकिंग टी, शी इज मेकिंग टी। अगर वे चाय बना रहे तो दे आर मेकिंग टी, है ना। दे के साथ में आर लगेगा, दे के साथ में क्या लगेगा, आर। अगर वह चाय बना रहे तो ही इज मेकिंग टी, ये तो चाय बनाने के ऊपर होगा। अब वाज के ऊपर, वह चाय बना रहा था, वह तो ही वाज मेकिंग टी, वाज ही के साथ में क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा। बहुवचन का वर, दे वर मेकिंग टी, वे चाय बना रहे थे, वे चाय बना रहे थे, तो दे वर मेकिंग टी। अब जैसे कि मेरे यहाँ चाय बन चुकी है, चाय बन चुकी है। मेक, मेड, मेक का पास्ट टेंस क्या होगा, मेड, मैंने चाय बनाई। आई मेड टी, आई मेड टी। अब मैं चाय बना चुका हूँ। आई हैड मेड टी, हैव का पास्ट टेंस क्या होगा, हैड। आई हैड मेड टी, आई हैड मेड टी, मैं चाय बना चुका हूँ। तो आई हैड मेड टी, मैं चाय बना चुका हूँ। आई हैड मेड टी, आई हैड मेड टी, मैं चाय बना चुका हूँ। तो इसका अंग्रेजी में क्या होगा, आई हैड मेड टी। देखो मैं चाय बना चुका हूँ, तो आई हैड मेड टी। अब मैं चाय छान रहा हूँ, देखो धीरे 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 छानना पड़ेगा, इसको डुल नहीं जाए। दोस्तों अंग्रेजी तो बहुत इजी सेंटेंस है, बड़े आसानी से सीख सकते हैं। मैं चाय, आई हैड मेड टी, है ना। जैसे कि अब चाय तो बन चुकी है, है ना। अब मैं चाय पी रहा हूँ, तो आई एम टेकिंग टी, है ना, आई एम टेकिंग टी। वह चाय पी रहा है तो ही इज टेकिंग टी। अगर वह चाय पी रही है तो शी इज टेकिंग टी, शी इज टेकिंग टी। दोस्तों वो सर बहुत सर सीखे हम। अब कोई कहता है चाय बहुत गर्म, तो इसका अंग्रेजी में क्या होगा, टी इज वेरी हॉट, टी इज वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म, टी इज वेरी हॉट। और कोई कहता है वाटर इज कोल्ड, ये जैसे नल का वाटर है, तो वाटर इज कोल्ड, पानी ठंडा है, तो अपन कहेंगे वाटर इज कोल्ड, वाटर इज कोल्ड, पानी बहुत ठंडा है, वाटर इज कोल्ड, टी इज वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है लेकिन वाटर इज कोल्ड, वाटर इज कोल्ड। अब दोस्तों और आता है इसमें, मैं चाय पी रहा था, मैं चाय पी रहा था, तो आई के साथ में पास्ट टेंस हो गया,
आई वॉज पास्ट कंटिन्यूस टेंस, मैं चाय पी रहा था। तुम क्या कर रहे थे? मैं चाय पी रहा था। तो आई वॉज टेकिंग टी, आई वॉज टेकिंग टी, इसमें वाज लग जाएगा। आई वॉज टेकिंग टी, अगर वह चाय पी रही तो, वह चाय पी रही है तो शी इज टेकिंग टी। राम चाय पी रहा है तो राम वॉज टेकिंग टी ना? अब दोस्तों राम वॉज टेकिंग टी, राम चाय पी रहा है तो राम वॉज टेकिंग टी, मोहन चाय पी रहा है तो मोहन वॉज टेकिंग टी, गोपाल चाय रहा तो गोपाल वॉज टेकिंग टी, आज संडे, टुडे इज संडे, टुडे इज संडे, आज रविवार है तो टुडे इज संडे, आज रविवार है ना, आज हैप्पी न्यू ईयर तो टुडे इज हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। देखिए दोस्तों, टी इज़ वेरी हॉट, वेरी गुड। और जब चाय, मैं चाय पी चुका हूँ तो आई हैव टेकन टी, मैं चाय पी चुका हूँ, आई हैव टेकन टी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो चला, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब।